नमस्कार। तो आज हम उन ऐप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप शेयर प्राइसेस चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पहला ऐप है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल सालों से चलता आ रहा है और इंडिया के बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। मनी कंट्रोल ऐप बहुत ही सिंपल ऐप है। उसका यूज़र इंटरफेस भी बहुत सिंपल और बढ़िया है। बस उसका एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें एड्स बहुत ज़्यादा आती है। मनी कंट्रोल के ऐप पर आपको स्टॉक से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कंपनी की डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर जिस किसी कंपनी की डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसका नाम यहाँ सर्च करना होगा और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में फाइनेंशियल्स पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपको कंपनी के पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कंपनी की पिछले 5 सालों की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपेयर करके मिलेंगे। साथ ही कंपनी के पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल रेशोज भी कंपेयर करके मिलेंगे। moneycontrol.com पर बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है। moneycontrol.com स्टॉक मार्केट से जुड़े डेटा का मानो एक भंडार है। मनी कंट्रोल के ऐप पर आप CNBC आवाज़ और CNBC TV 18 ये चैनल्स भी देख सकते हो और इस ऐप पर आपको मार्केट से जुड़ी या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से जुड़ी न्यूज़ भी मिल जाएगी। साल 2000 में नेटवर्क 18 ग्रुप ने मनी कंट्रोल को अक्वायर किया था और फिर 2014 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क 18 ग्रुप को ही अक्वायर कर लिया। अगला ऐप है ईटी मार्केट्स। ईटी मार्केट्स एक और ऐप है जहां पर आप स्टॉक की प्राइस और डिटेल्स चेक कर सकते हो। ईटी मार्केट्स में स्टॉक से जुड़ी शॉर्ट एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में दी गई है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। ईटी मार्केट्स ऐप में अगर आप यहां IPO पर क्लिक करते हो तो आपको कौन कौन से IPOs अभी ओपन हैं और आने वाले IPOs की डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो यहां पर आप आने वाले IPOs के बारे में पता कर सकते हो। ईटी मार्केट्स ऐप न्यूज़ पढ़ने के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ पर आपको मार्केट से जुड़ी और पर्टिकुलर स्टॉक से जुड़ी न्यूज़ मिल जाएगी। मनी कंट्रोल और ईटी मार्केट्स, इन दोनों ऐप्स को आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके हिंदी में भी चला सकते हो। अब हम बात करेंगे मार्केट्स मोजो इस ऐप के बारे में। मार्केट्स मोजो एक बहुत ही सिंपल ऐप है जहाँ पर आपको इजीली और क्विकली स्टॉक से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मार्केट्स मोजो पर किसी स्टॉक का नाम सर्च करने पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशोज, बिजनेस की कुछ डिटेल्स जैसे कि कंपनी का कौन सा बिजनेस है, कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है वहाँ कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, कंपनी को कैसी कंपटीशन मिल रही है, इन जैसे कई सारे डिटेल्स एक ही पेज पर मिलते हैं। मार्केट्स मोजो का यूज़र इंटरफेस तो अच्छा है पर डेटा लोड होने में टाइम लगता है। मार्केट्स मोजो की वेबसाइट marketsmojo.com पर जाकर यहाँ रेकोस पर क्लिक करके लॉगिन करने पर आपको अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने दी हुई स्टॉक टिप्स और रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। मार्केट्स मोजो स्टॉक के वैल्यूएशन पर अपना व्यू बताते हैं। हालांकि आपको उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको खुद अपना एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641-491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करिए। अगर आप finovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और finovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।